सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जमान फरदोस आशिक ऐवान की अपनी घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद ग्लीस गालियां देने की वीडियो सामने आ गई। वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि तर्जमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किसी बात पर अपनी मुलाजमा से झगड़ रही है। फरदोस आशिक ऐवान कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। इसी दौरान वहां मौजूद शख्स कहता है कि चले आप पुलिस के हवाले कर दो, आपने हमारे सामने थप्पड़ मारा है। इस पर फरदोस आशिक कहती है कि हाँ, थप्पड़ इसलिए मारा है क्योंकि इसने झूठ बोला है। इसी दौरान तर्जमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी मुलाजमा को ग्लीस गालियां देना शुरू हो जाती है। वहां मौजूद शख्स कहता है कि बाजी ये आपका तरीका है, जिस पर मुलाजमा कहती है कि बस ये बातें मैंने आपकी पहले सुन ली हैं। इस पर वहां मौजूद शख्स कहता है कि ये सुनना था बाजी, जो सलूक आप कर रही है ना ठीक है। इस पर फरदोस आशिक ऐवान कहती है कि दरवाजे को कुंडी लगाओ और पुलिस को बुलाओ, 70,000 रुपए दो कहाँ है। इस पर वहां मौजूद शख्स कहता है कि पुलिस को बुलाओ। इस पर मुलाजमा कहती है कि आपने मुझे 70,000 रुपए नहीं दिए हुए। इस पर वहां मौजूद शख्स कहता है कि आप पुलिस को ना बुलाओ, मैं खुद बुलाता हूँ।